सोसाइटी जब हम यहाँ पर नए नए आए थे एकदम, तो बहुत चीज काफ़ी चीज़ें नहीं हुई थी, काफ़ी चीज़ सुधारी गई है, बदौलत मतलब इनके नहीं हो सकती थी। राजेश गुप्ता जी ने स्पेशल मतलब स्पेशल एक कहते ना कि यार मेरा ये मानना कि अगर देश में सुधार चाहिए तो सबसे पहले अपने घर में अपनी सोसाइटी में सुधार करना चाहिए। तो इन्होंने रात दिन इस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर। पूरी सोसाइटी आपकी तारीफ करते हैं, और क्योंकि आपने निस्वार्थ काम किया है और आधी रात को ये ए विंग में रहते हैं, लेकिन अगर बी विंग वाले को तकलीफ़ हो रही है या किसके घर में कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आधी रात को उठकर ये इंसान जाते हैं, तो और हमारा सौभाग्य कि हमें ऐसे इंसान मिले। और सर आप क्या हवाले पिछहत्तर साल मैं बोलूँ? हाँ जी सर, आई थिंक पेट्रियोटिज्म का सही मायने मेरे हिसाब से, मैं बहुत देश घुमा हूँ, अपना काम रोज़ सुबह मुस्तैदी से करना, ऑनेस्टली सिंसियरली, आई थिंक इससे बड़ी पेट्रियोटिज्म कुछ नहीं हो सकती है, और वही हमारे देश को आगे ले जाएगा। जैसे दूसरे देश को मैं देखता हूँ, खासकर जापान को और चाइना को, तो मेरे यही मैसेज है सबके लिए कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के दिन खाली इंडिपेंडेंस मनाएं, हम ये प्रण लें कि भाई हर हम सरकार को गाली देते हैं, गवर्नमेंट को गाली देते हैं, मगर हम खुद क्या करते हैं हम कभी ये अपने आप से नहीं पूछते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना तरीका काम का उनके बराबर लाएं और खूब मेहनत करें और एकदम ऑनेस्टली करें। थैंक यू। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के खास मौके पर, और 75th इंडिपेंडेंस डे आने वाले समय में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं आप? बस ये चाहूँगा कि अभी जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, लोग व्हाट्सएप पर भरोसा कर लेते हैं, उस पर भरोसा मत कीजिए, आप तहकीकात कीजिए, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और ये व्हाट्सअप जब से आए हमें दंगे ही करा रहा है, कोई पुराने वीडियो आ जाते तो हमारा खून खोल जाता है, कोई इसके नाम से कुछ के नाम से। तो आप हम लोग देखिए आज तिरंगा पकड़ा है, तो हम सबको एक रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी से कुछ नहीं करना है, बस हमारा हिंदुस्तान एक है, एक था एक रहेगा, बस ये मैसेज हमको आगे तक पहुँचाना है। और 75 वर्ष हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आज़ाद हो गए, अभी भी कुछ लोगों के ख्याल आज़ाद नहीं हुए। क्या बात है, कुछ लोग हैं ऐसे जिनके ख्याल अभी तक आज़ाद नहीं हुए, कुछ गांव में चले जाइए, कुछ लोग ऐसे आज भी पता नहीं बहू बेटियों को कुछ ठीक से समझती नहीं है, उनको लगता है कि आज भी वो पर्दे के अंदर ही रहती है। करेक्ट, बाहर निकले इंसान है, उनको सांस लेने दीजिए, खुल के सांस लेने दीजिए, तब जाके देश आज़ाद होगा अच्छी तरीके से। और रही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, एक रियल इंसिडेंस हुआ था, मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा था, मैं मेरी कार में था, तो एक किसी ओला उबर वाला कोई होगा बेचारा ड्राइवर, उसकी कोई गाड़ी ठुक गई किसी सामने लगे, वो बंदा उतरा, उसने सीधा आके उसको थप्पड़ मारा, कोई बातचीत नहीं, मतलब वो गरीब है तो आप उसको थप्पड़ मार सकते हो, ऑटो वालों को मार देते हो आप लोग, आप किसी ओला उबर वाले को, आपको काली प्लेट टैक्सी वाले को मार देते हो, मतलब आपके पास ये राइट किसने दिया है? कानून है ना, अगर आपकी गाड़ी ठोकी है तो आप जाओ कानून के पास जाओ,
यही कोई करोड़पति करोड़पति ठुकता तो इंग्लिश में बातें झाड़ दे तो दिस इज नॉट गुड, इज वेरी, आप बात करते, वो भी इंसान ही है, तो आप इंसान से इंसान का बर्ताव कीजिए, तब मुझे लगेगा कि मेरे 75 साल जो हम बना रहे थे खुशी से बनाऊंगा मैं। तब तक ये प्लीज ऐसा ना करें, सबको इंसान समझिए। बहुत खुश, थैंक यू सो मच वीआईपी साहब, हम एंटरटेन करने के लिए, आने से मैसेज देने के लिए, थैंक यू सो मच राजेश जी, सो मच। या सो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा हमारे बहुत ही फेमस डायरेक्टर कमल चंद्रा जी को, जिन्होंने हाल ही में एक फिल्म बनाई है अनु कपूर साहब के साथ, हम दो हमारे दो, एंड आने वाली फिल्म है बूंदी रायता। तो कमल चंद्रा जी प्लीज़ पधारिए यहाँ पर, वार्म वेलकम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं चाहूँगा कि इस 75 इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप कुछ आज कहें सबसे। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे देशवासियों को, मेरे भाई बहनों को। बस छोटी सी बात बोलूँगा, अभी ना इनटॉलरेंस बहुत हो गया अपने देश के अंदर, लोग रिलीजन की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं, ठीक है। और जो जितना इंटॉलरेंस चला, छोटी छोटी बातों पर, करता कोई और है लेकिन जो उसका खामियाजा है ना, हम जैसे सीधे साधे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ होती है, सबसे पहले उसकी जड़ में घुसें, क्योंकि तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जो लोग समझदार नहीं है उन लोगों को यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो पहले इसकी जड़ में घुसें, उसके बाद कुछ डिसीजन लें। बस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बस मैं यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहूँगा लेखा एंड रोहित को, प्लीज़ वेलकम लेखा एंड रोहित। रोहित आप बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। रोहित नो नहीं, रोहित जी आइए सर। 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू रितेश जी, थैंक यू मिलेनियम सोसाइटी, सबने इतना अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट किया है। और वैसे सर, वीआईपी सर बहुत बोल चुके हैं, सर ने भी बहुत अच्छा बोला। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग वैसे बहुत अच्छे सिटीजन्स हैं, हम इंडियन सिटीजन्स बहुत अच्छे, बट आई जस्ट फील वी कैन डू लिटिल बेटर, हम लोग और अच्छे सिटीजन्स बन सकते हैं। हम सबको पता है हमारे इंडिया में सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, तो मुझे ऐसा लगता है ये हमको बात माननी चाहिए, थोड़ा पॉल्यूशन कम फैलाना चाहिए, अपने आसपास, अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास प्रॉब्ली स्ट्रे डॉग्स हो या आपका जो भी इन्वायरमेंट है उसकी थोड़ी रक्षा करनी चाहिए, और हम इंडिया को और अच्छी जगह बना सकते हैं। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू योर जीने दो भाई, और कुछ नहीं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस है जो लोग शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा जो एक्सपीरियंस था कि आज भी महाराष्ट्र में नासिक के पास कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ बेसिक नीड नहीं, पीने को पानी नहीं। तो आई थिंक ये बहुत अजीब सा थोड़ा महसूस हुआ मुझे, जहाँ पे सड़कें हैं, लाइट है, सोलर लाइट्स की फैसिलिटीज़ है, लेकिन पीने को पानी नहीं, विच इज़ फ्री। तो ये थोड़ा आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग आगे की जगह पीछे जा रहे हैं, या जो पीछे लोग हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आई थिंक इस पर थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एनजीओ या इनिशिएटिव जो भी जिसने लिया है, हम सबको लेना चाहिए था। बट ठीक है, एनीवे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद, क्या बात, कुछ कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बातें कह गए हो और बहुत अच्छी बातें कह गए हो। सर मैं कम शब्दों में कहानी बता दूँ, क्या बात है, क्या बात है। तो हमने देखा है एंड आगे भी आप दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी टुडे हियर। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि यू टुडे वी हैव बीन इन द इंडिपेंडेंस डे टुडे। बट मुझे हमेशा एक चीज़ खटकती है कि इंडिपेंडेंस तो मिल चुके हैं बट मन की इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं मिला है। आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जब तक हमारा मन साफ नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन, एंड आई एज अ पीस, वर्ल्ड पीस लीडर, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि लेट्स ब्रिंग इन पीस, वी आर ऑल ह्यूमन्स, लेट्स ट्रीट ईच वन इक्वली, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक वो नहीं है तब तक आज़ादी का मतलब नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कैरन, वेरी वेल सेड, थैंक यू। एंड इसके साथ बहुत शुभकामनाएं, और प्लीज प्लीज आइए आइए, आप सभी को आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगर हम देश में बदलाव की बात करते हैं ना, तो ये जो झंडा है हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। प्लीज़ आज के बाद कहीं भी, आज के बाद ये चीज़ें होती है हमारे देश में कि झंडा कहीं भी गिरा हुआ मिलता है, कहीं भी मिलता है, तो हम इसको अपने पास कलेक्ट करें और सही तरीके से इसको अपने पास रखें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सभी को आज़ादी के 75 वर्ष मुबारक हो। अमृत महोत्सव है। इस अवसर पर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम सिटीज़ में बहुत अच्छी और लाविश लाइफ जी रहे हैं। हम बहुत वी हैव ऑल द सुख सुविधाएं, बट जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़रूरत है, इवन बेसिक नेसेसिटी नहीं है लोगों को, तो जिस दिन वो लोगों को मिल जाएगी तो उस दिन मेरा देश आई थिंक बहुत अच्छे से आज़ाद हो जाएगा। दूसरी चीज़ है वुमेन, बहुत जगहों पे हम सेफ़ नहीं फील करते, तो जिस दिन हम लोग बहुत सेफली और फ्रीली घूम पाएंगे उस दिन मेरा देश वाकई में आज़ाद हो जाएगा। सो या दैट्स इट। से कम नहीं होते तो आप कुछ कहें आज? सबसे पहले तो 75th जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी सभी को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। 75 सालों में हमने काफ़ी हम लोग ने तरक्की की है, हम एक वर्ल्ड लेवल पर हमने काफ़ी अपना नाम किया है, अपने देश का नाम किया है और अभी भी आगे कर रहे हैं। तो बस मैं वैसे ही चाहूँगा कि इसी तरह से लोग मिलजुल कर रहे और देश को, सबसे पहले तो अपना देश है, देश की तरक्की के लिए हमेशा सोचिए और फिर बाद में जो थोड़ी वो कुछ कुछ जगह पर लेकर जातिवादी की जो बातें होती है वो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम भाईचारा के हिसाब से रहते हैं वैसे ही रहे और अपने देश के बारे में सोचे और देश को तरक्की की और आगे लेकर जाए। थैंक यू। आई विश एवरीबडी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमें ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है और शायद विश्व ने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक कितना पहुँच पाएंगे और फिर भी पहुँच गए। सबको लगा था कि हमारा देश आज़ादी के 5 या 10 साल में विघटन हो जाएगा, पर फिर भी अभी तक हम एक साथ बंधे हुए हैं। ये जो हमारी गंगा जमुना संस्कृति है, ये हमारी ताकत है। तो ये हमारी विरासत हमें आने वाले जनरेशन्स को देना है। तो बस यही बोल के मैं आप सबको आज की शुभकामनाएं देता हूँ एंड आई विश अ वेरी हैप्पी फर्दर 75 ईयर्स टू दिस कंट्री। ये काम करते हैं एंड बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहे हैं। सो इसके साथ हमारे बाकी के वसीम भाई जाला भाई, राकेश जाला, स्नेह जाला, मैं चाहूँ स्नेह जाला भी अभी काम कर रहे हैं, राकेश जाला, शान भाई प्लीज कम ऑन स्टेज, शान भाई, विरल भाई, विरल एंड एक्सट्रीमली सॉरी रोहित भटनागर, विरल प्लीज कम ऑन स्टेज एंड मुझसे कोई नाम, हाय हाय बाबा विरन भाई, विरन आ जाओ यार, यार बिना बोले आ जाओ भाई, किसी का नाम नहीं मिस हो सकता है, आओ आ जाओ भाई, चाय भाई जीतू आ जाओ भाई, चाहेंगे सभी यार, सभी मीडिया मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार, बड़ी स्पोकन डे एंड नाइट और इनके लिए भी ताली है, हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए जो बियॉन्ड द कैमरा है उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जो अभी भी काम कर रहे हैं। स्नेह जाला भाई, स्नेह आजा स्नेह जाला कम, अरे स्नेह जाला आजा इसने कर लिया, अब तो लेखा जी बोल रहे, अब तो लेखा जी बोल रहे, निकाल लेने का आजा, अरे स्नेह आजा आजा। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये इनिशिएटिव का महत्व ये था कि हम 365 दिन तो रेगुलरली काम करते रहते हैं, लेकिन एक दिन हम देश के लिए अपना समय दें, देश के लिए कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि इस देश ने ही हमें सब कुछ दिया है और इस धरती को शत-शत नमन, धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए, आप सब लोग आप बारी बारी से कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। क्या वसीम भाई रोहित फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से 75th इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आजकल की जो सिनेरियो से गुजर रहे हैं वो शायद कुछ ठीक नहीं है या कुछ लोगों के लिए ठीक है, बट एज एन इंडियन मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूँगा कि वी शुड बी अलर्ट व्हाट वी से इन पब्लिक,
what we, especially public figures, because बहुत ज़्यादा boycott और ये सब चल रहा है, this was not our India. तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, we should be very very careful, और हम जो इंडिया के लिए करना चाहते हैं वो एक अच्छे वे में करें, that's all. जय हिंद. सबसे पहले तो मेरी तरफ से 75 years की सबको मुबारकबाद है, और आज हमारा आज़ादी का दिन है. और मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट ठीक है, सारी चीज़ें एक अगर यूनिटी बनके, या फिर जैसे रिलीजन के ऊपर बातें चलती हैं वो सब ख़त्म अगर हो जाए उस तरीके से, अगर ना चल के रहेगा तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा. बस इतने कहने का. क्या बात. जीतू जीतू और राकेश जाला दोनों. तो 75th इंडिपेंडेंस डे की सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हमें यूनिटी में रहना है जैसे शान ने कहा, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बस यही स्पेशल मैसेज होगा कि यूनिटी में रहिए. 75th इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को मुबारक तहे दिल से. मतलब ज़्यादा कुछ कहना तो नहीं है, लेकिन अगर कहने की बात है तो सिर्फ एक ही मुद्दा है जो आम लोगों से जुड़ी हुई है. जैसे कि हमारे कैमरामैन हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, इनको सैलरी कैसे मिलती है और कितनी मिलती है आप अगर जानेंगे तो शायद मतलब बहुत अफसोस होगा इस बात का. तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में वो है महंगाई. सरकार आती हैं, सरकार जाती हैं, आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा कर्तव्य जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आम लोगों के लिए, उस मुद्दे को ज़रूर उजागर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको पता चले कि जो सरकार में बैठी हुई सरकार है, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, उन तक ये खबर होनी चाहिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ महंगाई कम कीजिए, ताकि ये आम जनता जो है सही से सर्वाइव कर पाए और अपने बच्चे और अपने परिवार का निर्वहन कर सके. थैंक यू. और मैं तो क्या कहूँ यार, मैं तो बोल ही रहा हूँ, बट आई एम रियली थैंकफुल यार दैट यस्टरडे रितेश कॉल्ड मी एंड वाज लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे. सो आई वाज रियली हैप्पी टू नो कि विल बी सेलिब्रेटिंग. हर घर में तिरंगा तो हमारे माननीय मोदी जी ने कहा ही है, मगर हर हाथ में तिरंगा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड आई वाज रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट एंड टू बी होस्टिंग इट. अक्सर आपने मुझे बहुत सारे शोज में देखा है होस्ट करते हुए, सेलिब्रिटी टॉक शोज में देखा है, शोज में देखा है, बट आई थिंक टू डू समथिंग फॉर नेशन इज ऑलवेज विच आई रियली लुक फॉरवर्ड टू डू, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड थैंक्स टू एक्सपेंशन मीडिया एंड एवरीबडी द एंटायर मीडिया फ्रेटर्निटी जो यहाँ पे जो कहीं भी काम कर रही है. आई थिंक इट्स अ थैंकलेस जॉब और वी आर रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस मीडिया. अब मैं चाहता हूँ कि इसके ज़रिए हम लोग जो देश की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें लगता है हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो सही जगह पे पहुँचे और हम इसको सही तरीके से यूज़ करें. एंड वी आर रियली प्राउड टू बी एन इंडियन एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे. दैट्स अबाउट इट. सो आज हम लोग 15th August 75th इंडिपेंडेंस डे इतना ज़ोर शोर से सेलिब्रेट हो रहा है, हर गली में हर घर में तिरंगा फैल रहा है, और सोचो कि आज जितनी खुशी बना रहे उस दिन जब ये हुआ था 75 years बैक, उस दिन का क्या माहौल रहेगा. आज तो हम सिर्फ एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन तो जश्न बन गया था. क्या बात. सो उसी की वजह से यही चाहूँगा कि हम इंडिया एक साथ बने रहे, हर कास्ट रिलीजन एक साथ रहे और जुड़ के लड़े, जैसे कोविड को भी हरा दिया वैसे हम हर बिमारी हर तकलीफों को हरा दें. क्या बात. जय हिंद. इनके अंदर एक राइटर है, हमें पता नहीं था यार. आज दिखा, आज दिखा. क्या बात. सुमित्रा भाई, सुमित्रा भाई, अगली फिल्म बाबा. मैंने वीरेन भाई मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी का जो एक्चुअल महत्व है उसको सबको याद रखना चाहिए और ये मेंटेन रखना चाहिए कि ये कैसे बरकरार रखे इसको. अभी हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सोचता है कि वो आज़ाद है, बट एक्चुअली होता नहीं है. कई सारे लोग आप सुनते हैं कि कई सारे मेंटली दौर से गुजर रहे हैं. मेरे ख्याल से उस पर ही फोकस करना चाहिए और आज़ाद मेरे ख्याल से सब नहीं फील करते, तो उस पर थोड़ा कोई मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए. ऑफिसों में बहुत सारे हैं जो लोग खुश नहीं रहते फिर भी कई बार प्रेशर में काम करते हैं टू मेंटेन फैमिली. True. तो आई थिंक उस पर कोई एक कमेटी या वैसा कोई फोकस करने वाला होना चाहिए. बहुत सारे एनजीओ हैं, आई थिंक उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू. एक अभी हम लोग हटेंगे, लास्ट बार हम लोग कैमरे पे जाएंगे और कैमरा ऑन रखिए. आप लोग इस तरफ आइए, आप लोग भी कुछ बोलिए प्लीज़. स्टार्ट. आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद, और सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल लोग भागा दौड़ी में जीना भूल चुके हैं. जीना सीखिए, थोड़ा वक्त खुद को दीजिए, और साथ ही जो आपके आसपास लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है उन्हें मदद करिए,
लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उन्हें सपोर्ट करिए। और मेरे ख्याल से जो कचरे यहाँ वहाँ फेंक देते हैं वो अभी भी लोगों में है, वो स्वच्छ करिए देश को। अगर ये सब चीज़ें अगर आप कर सकें, मेरे ख्याल से यही एक सच्ची आज़ादी होगी। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपने देश और अपने शान के लिए लड़िए, बस नहीं, धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा 75 ईयर्स की शुभकामनाएं, और मैं नवयुवक और सभी समस्त देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत देश भारत। मेरा भारत बहुत प्यारा है, और प्यारे से भारत की तिरंगे भी बहुत प्यारे से हैं, तो इनकी लाज रखिए और खुश रहिए। मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे और वीर सपूतों को सलाम करना चाहूँगा। इसी तरह से मिलजुल के रहिए, देश आपका है, इसको स्वच्छ रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय। जीतू रह गया।